राष्ट्रपति चुनाव के बहाने अखिलेश यादव के पार्टी में लगी सेंध। चाचा शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर ने कसे तंज। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे, राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी में जाएंगे या बसपा में जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में कल लखनऊ में जमकर हुआ ड्रामा। वहीं आपको बता दें कि एनडीए अपना परिवार बचाने में कामयाब रहा, लेकिन विपक्ष टूटा और बिखर भी गया। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। वहीं उनके अपने समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने भी इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने व्हिप तक जारी किया है, जिससे उनके विधायक बीजेपी के लिए वोट ना कर पाए, लेकिन बात नहीं बनी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में एनडीए एक तरफ अपना कुनबा इस चुनाव में मजबूत करके दिखाया, तो वहीं विपक्षी खेमे को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना कुनबा और सहयोगी दलों को संभाल नहीं सके। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव खुलेआम द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक शाहजील इस्लाम और उनके कुछ अन्य साथियों भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किए। इनकी चर्चा लगातार बनी है। अखिलेश यादव के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने यशवंत सिन्हा को वोट न देने के बाद अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने भी अखिलेश के यशवंत सिन्हा को वोट देने के फैसले की अनदेखी कर उनको आड़े हाथे ले लिया। शिवपाल ने कहा कि नेताजी को ISI एजेंट कहने वाले विपक्षी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कभी समर्थन नहीं कर सकते, और नेताजी के सिद्धांतों का पालन करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह पर आरोप लगाने वाले यशवंत सिन्हा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के प्रति कुछ ऐसा ही रुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनाया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डालकर बाहर निकले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव टेंशन में हैं और हमें तथा शिवपाल यादव को उनसे तलाक का इंतजार है। हम समाजवादी पार्टी के साथ अपनी तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत दर्ज करेंगी। ऐसे ही खबरों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव पर खुलकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में साजिश रची गई है, इसी के तहत पहले दो डिप्टी CM ट्वीट किया है और चाचा शिवपाल ने चिट्ठी भी लिखी है। चाचा शिवपाल से चिट्ठी लिखवाई गई है ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन तोड़ने पर। अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। अब देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खेमे में जाते हैं या BSP के साथ खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज, दस्तक।